समय से लंबित पड़ी हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, यूं तो मंत्री जी ने जवाब बहुत बेहतरीन तरीके से दिया है, मैं उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट भी हूं, परंतु इसके माध्यम से मैं जो आज इस सदन में अपनी बात रखने जा रही हूं वो मेरे क्षेत्र से जुड़ी हुई परियोजना के लिए है। अध्यक्ष महोदय, जो पिछले 8 वर्ष से लंबित पड़ी हुई है, आदरणीय मंत्री जी का जो प्रयास रहा है वो पूर्ण रूपेण काबिले तारीफ रहा है, उनके प्रयास से मैं संतुष्ट भी हूँ, परंतु अध्यक्ष महोदय अभी तक उस प्रयास का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकल पाया है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि ये परियोजना जो जो इतने 8 सालों से लंबित पड़ी हुई है, ऐसा क्या आपके पास उपाय है? हमारी क्षेत्र की जनता आपके उत्तर को सुनने के लिए आतुर है। आप अगर इस सदन में उत्तर रखेंगे, हमारी क्षेत्र की जनता भी उसे आश्वस्त होगी। मैं चाहती हूँ कि शीघ्र अतिशीघ्र, क्योंकि हम बड़ी कठिनाई से गुजर रहे हैं, हमारा एक एक पल एक एक दिन बहुत कठिनाइयों से जा रहा है। पूरी रोडों को खराब करके रख दिया गया है। 8 साल से लंबित पड़ी हुई परियोजना है। 2012 में इस परियोजना को शुरू करने का अनुबंध किया गया था। आज 2000 अगले महीने 2020 आ जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहती हूँ कि मंत्री जी हमें आश्वस्त कराएं कि उनका अगला चरण क्या होगा जिससे हम इस परियोजना को अविलंब शुरुआत कर सकें। महोदय, ये सिंगरौली के रोड की समस्या है और वो जो कह रही मुसलमान सदस्य वो सही है, 8 साल से बंद पड़ी हुई है। मैंने इसके लिए मीटिंग भी ली, माने सम्मान्य सदस्य भी उसके उपस्थित थी, और मीटिंग में जो उसका स्कोप ऑफ वर्क का पैसा था वो भी देने के लिए कहा, वो भी ऑर्डर निकल गया। पर वो प्रॉब्लम ये हुआ दुर्भाग्यवश कि जो बैंक के इंचार्ज थे वो और जो कंपनी का जो इंचार्ज था वो दोनों भी मीटिंग के बाद बदल गए, और इसके कारण वो मामला फिर अटक गया। और इसलिए आज आपका जब क्वेश्चन आया तब मैंने फिर से कहा है कि 8 दिन के अंदर फिर से मीटिंग बुलाएंगे, और कल ही माननीय सदस्य ने कोल मिनिस्ट्री को एक पत्र लिखकर 300 करोड़ रुपए इस रोड प्रोजेक्ट के लिए लोन के रूप में देना चाहिए करके उन्होंने प्रहलाद जोशी जी को दिया है। मैंने सुना था कि कोल वाले कुछ 50 करोड़ तक देने के लिए तैयार, क्योंकि वो पूरा रोड कोल माइंस के जाता है। सिंगरौली आपका बहुत बिजनेस उसके कारण मार खा रहा है, पर मैं कोशिश करूंगा अगर कोल मंत्री भी कुछ मदद कर सके तो, क्योंकि वो जो कह रहे 8 साल से बंद है, मामले में बहुत सी अड़चने आई थी। फिर से 8 दिन के बाद जब मीटिंग लेंगे तो कोल मिनिस्टर को बुलाएंगे और सम्मान्य सदस्य को बुलाकर नए अधिकारियों के साथ बैठकर इसका समाधान ढूंढकर आगे जाएंगे, ये जरूर कोशिश करें। श्री शंकर लालवानी, क्वेश्चन नंबर 254, श्री रामदास तड़स। रामदास तड़क, सीपी जोशी, माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी सदन के पटल पर। क्वेश्चन नंबर 255, सी वी एन बोरल कुंटा। क्वेश्चन नंबर 257, 255 के प्रभाकर रेड्डी हैं, के प्रभाकर रेड्डी। थैंक यू सर। हमारा क्वेश्चन नंबर 255 जवाब पटल पर रखा सर, सप्लीमेंट्री सर। ये हमारा कॉन्सेंस, मेरा कॉन्सेंस में